दोस्तों, पे कमीशन के 16 साल बाद आया फैसला, कई रक्षा कर्मियों को अधिकारियों को होगा बड़ा फायदा। और ये कहां से फैसला आया है, किस संदर्भ में आया है, आखिर क्या है, जब हम बात करते हैं। जैसा कि पहले हम सभी ये जानते हैं कि 2006 से पहले आने वाले जितने रक्षा कर्मी है, चाहे एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के, उनकी जो पेंशन है, यानी जो 2006 के बाद आए हैं या 2016 के बाद आए, उनसे कम आ रही है। जबकि उनको 6th पे कमीशन के हिसाब से उनकी पेंशन रिवाइज की गई, फिर 7th पे कमीशन के अनुसार रिवाइज की गई, लेकिन उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। आज का उदाहरण मैंने दो हवलदार से पूछा, एक बिल्कुल मेरे पड़ोस में है, गार्ड से रिटायर्ड है, और एक 2004 में आए, मैंने पेंशन का उनका पीपीयू देखा, तो उनकी आज जो पेंशन मंथली उन्होंने लाया 20,067 रुपए मेरी पेंशन आ रही। दूसरा एक 2014 में मेरे भाई साहब, उनकी पेंशन देखा तो 24,600 कुछ आ रही है, चलो वो 26 करके आएगा। फिर मैंने 24 साल वाले की देखा तो उसकी 23,800 कुछ आ रही है, वो लोग 2014-15 के रिटायरीज हैं। फिर हमने 2017-18 वाले का हवलदार से बात किया तो उसकी भी 23,500-24,000 सबकी आ रही है, यानी कि 2006 से पहले आ रहे उन्हें घाटा हो रहा है। और इसी घाटे को देखते हुए एक केस डाला गया, और उस केस का क्या डिसीजन आया, जरा हम बोर्ड पर समझते हैं। सेना के जवानों की पे की होगी समीक्षा, AFT का CGDA को निर्देश, कंट्रोल जनरल डिफेंस काउंट को हमारी आर्मर फोर्स टर्मिनल की एक बेंच ने निर्देश दिया। क्या दिया है, दो याचिकाओं का निपटारा करते हुए, यानी दो ऐसे उदाहरण मिले, उसके साथ उन्होंने हजारों उदाहरण लगा के दिए कि भाई इसमें जो मैंने कहा है कि इसमें इतनी डिस्पैरिटीज है। अब वहां पर जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिस साहब की ट्रिब्यूनल बेंच ने CGDO यानी कंट्रोल जनरल डिफेंस काउंट को 4 महीने के अंदर इस संबंध में एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर पेश करने को कहा है। क्या कहा है कि जो 6th पे कमीशन से पहले रिटायरीज हैं वो आज पेंशन कम क्यों ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। जब उनको जस्टिफाई उन्होंने कर लिया तो सीधा आदेश दे दिया। अब देखा क्या गया, 6th और 7th पे कमीशन के बाद भी 1/1/2000 जो 6 को तय किया गया है, यानी अब क्या होगा, जो कमीशन है उनका दोबारा 1/1/2006 में, 2004 में थे, 1/1/2006 में उनका पेंशन को फिर रिवाइज किया जाए, फिर 7th पे में कन्वर्ट किया जाए, फिर जो भी उनको एरियर और लाभ है वो दिया जाए। और इसी को कहते हैं वन रैंक वन पेंशन की असली रीढ़ की हड्डी, और जिससे हम लोग गुमराह हो रहे हैं। आज आदेश आया, इसके आदेश आर्मी एयरफोर्स ने भी सबके लिए, और इनका पेमेंट फिर से तय किया जाएगा, और इसके लिए आपको स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन 2008 में सीधा सीधा लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है पे रिवीजन के 16 साल बाद आया फैसला, कई रक्षा मंत्रियों को होगा फायदा, यानी ये है, और इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। बहुत सारी आपने विसंगतियां हैं पे को लेकर, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े ऊपर वाले कुछ भी करते रहे, और ये विसंगति ये नहीं, ये सिपाही से लेकर के लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल रैंक तक के हवाले दें। आप इस न्यूज को, कल की न्यूज, आप इसको पढ़ सकते हो और अपने कमेंट्स कर सकते हो। तो इसमें ये, इसके ऊपर कोई डिसीजन निकलता है अपने पास रखिए, और जरूर चिट्ठी लिखिए। मैंने भी सबको सलाह दी है कि सर्कुलर 651 में भी ऐसा ही कुछ रेफरेंस दिया गया था, और पक्का मानते 2006 से पहले जो रिटायरी है उनकी पेंशन कम आ रही, बसरते जो 2006 के बाद आए हैं, 2016 के बाद आए हैं। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।